देखिए मॉनसून शुरू होते ही कई तरह की बीमारियां, जिसमें अगर हम बात करें तो वेक्टर बॉर्न डिजीज जो कि ज्यादातर मॉस्किटो बाइट से होती है, मच्छर के काटने से होती है, जिसमें अगर हम बात करें तो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, तो इन सब बीमारियों से बचने के लिए और सबसे ज्यादा जरूरी है इनके लक्षणों को पहले पहचानना जरूरी है। डेंगू की बात करें, जैसे कि हर साल मानसून के अंदर शुरू हो जाता है तो उसमें हमारे फीवर होना, सर भारी होना, आंख के पीछे दर्द रहना, ज्वाइंट और मसल्स के अंदर काफी ज्यादा पेन होना, तो इस तरह के लक्षण हो तो तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क करें ताकि डेंगू के होने वाले कॉम्प्लिकेशन से आप अपने आप को बचा सकें। मलेरिया के अंदर भी इसी तरह से फीवर होता है, शिवरिंग होती है, चिकनगुनिया के अंदर भी ज्वाइंट पेन, तो वेक्टर बॉर्न डिजीज, और इन सब से बचने के लिए जरूरी है कि हम मॉस्किटो बाइट से अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें, जिसके लिए आप कोई मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम, हर्बल ऑयल वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, मच्छरदानी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो बीमारियों का समूह है वो है वाटर बॉर्न डिजीज, जिसमें अगर हम बात करें तो हेपेटाइटिस ए, इसके अलावा आपका टाइफाइड और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम, मतलब पेट से संबंधित बीमारियां, जो कि ज्यादातर होती है आपके किसी भी तरह की फूड कॉन्टामिनेशन से या वाटर कॉन्टामिनेशन से। अगर आप दूषित खाना खाते हैं या दूषित पानी पीते हैं तो उससे आपको वाटर बॉर्न डिजीज हो सकती है, जिसमें अगर हेपेटाइटिस की बात करें तो उसके सिम्टम में आपके पेट के अंदर दर्द होना, आपको लूज मोशन होना, आपको वॉमिटिंग होना, ज्वाइंटिस का होना, जैसे आंखों के नीचे पीलापन आना, स्किन येलो होना। इसके अलावा टाइफाइड की बात करें तो उसके अंदर भी हेडेक का होना, आपको फीवर लगातार बने रहना, भूख के अंदर कमी आना, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम और फूड पॉइजनिंग के भी सिम्टम सेम होते हैं, क्योंकि मॉनसून के अंदर कई बार क्या होता है कि ये वातावरण इस तरह का होता है जो बैक्टीरिया और वायरस के पनपने के लिए बिल्कुल अनुकूल होता है। तो इस तरह के अगर आपको लक्षण दिखते हैं तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। जो वाटर बॉर्न डिजीज है उसमें हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि हम साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखें। पानी आपका बॉयल करके आपको पीना है, किसी भी तरह से ओपन कहीं पर भी पानी हो आप उसको पीने से बचें। इसके अलावा आप कोई भी कटे हुए जो फल हैं उनसे आपको, जैसे कि सलाद वगैरह और ये सब कटा हुआ, ऐसा आपको नहीं खाना है। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली की बात है कि अगर आपको वॉमिटिंग लगातार हो रही है, आपको लूज मोशन है, तो हाइड्रेशन का अपना ध्यान रखें, पानी लगातार आप पीते रहें और ORS आपको पीना है, लिक्विड इंटेक आपका ठीक बना रहना चाहिए ताकि बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो। इसके अलावा अगर हम देखें तो स्किन इन्फेक्शन भी हो जाता है, जैसे ह्यूमिड वातावरण होता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो मॉनसून के अंदर आपको साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, हैंड हाइजीन का, हाथों की सफाई का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है, सैनिटाइजेशन वगैरह का ठीक तरीके से ध्यान रखना है। इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो काफी हद तक जो मॉनसून से संबंधित बीमारियां उनसे आप अपनों को और अपने आप को बचा सकते हैं।